আরে নজন কি নজন থারা ঢঙ্গ দেখ লাগি ভারত মা কে দিল পে চোট। कहते हैं कि नौजवानों के कंधों पर देश का भार है, लेकिन आजकल के नौजवानों में खुद में ही कोई भार नहीं है, देश का भार क्या उठा पाएंगे। वो लोग, वो नौजवान और थे जो देश के लिए मिट गए, देश के लिए मर गए। मरते तो आज भी हैं नौजवान, लेकिन देश के लिए नहीं, लैलाओं के लिए मर जाते हैं। कहां से देश का भार संभालेंगे वो। अरे नौजवानों थारा ढंग देख लगी भारत माँ के दिल पे चोट। और क्यों लगी? क्योंकि देही के तंत्र रहा ना। तंत्र कहते हैं ताकत के लिए, कि शरीर में जान नाम की चीज नहीं रही। और ये खोट किसका है? ये सब फैशन बाजी का खोट। नौजवानों थारा ढंग देख लगी भारत माँ के दिल पे चोट। देही के में तंत रहाना, देही के में तंत रहाना, ये सब फैशन बाजी का खोट। नौजवानों थारा ढंग देख लगी भारत माँ के दिल पे चोट। अरे ऋषि दयानंद के बेटो थारे सिर पे चोटी रही नहीं। पेंट पहर ली, अब पेंट पहर ली वो गांधी वाली याद लंगोटी रही नहीं। चाय पियो, अरे चाय पियो थारे घरानी खुड़ू दूध की झोटी रही नहीं। खाओ छोले और भटूरे, अब मिस्सी रोटी रही नहीं। खाओ छोले और भटूरे, मिस्सी रोटी रही नहीं। खाओ छोले और भटूरे, मिस्सी रोटी रही नहीं। चाय पियो थारे घरानी खुड़ू दूध की झोटी रही नहीं। फिर भी आपके साइड तो बहुत गाय भैंस हैं, हमारी साइड चले जाओ मुश्किल से ही 10 घरों में 1-2 घरों में मिलेंगी। अब दूध दही का जमाना नहीं रहा, चाय पीते हैं। और जब दूध दही नहीं खाएंगे नहीं पिएंगे तो हालत यही होगी। कैसी? गर्दन मोटी रही नहीं, अब गर्दन मोटी रही नहीं। अरे गाल पिचकवानी ये हो ना जाने थारा ढंग देख लगी भारत माँ के दिल पे चोट। भगवान के नाम को भूल गई ये दुनिया। प्रेमी सजनों, आज के नौजवानों से अगर ये पूछा जाए ना कि भगत सिंह की माँ का नाम क्या था, चंद्रशेखर आजाद ने देश के लिए क्या किया था, तो शायद नहीं बता पाए। और ये पूछ लो कि सलमान खान कौन है, धर्मेंद्र की बहू का क्या नाम है, सब बता देंगे। प्रेमी सजनों, दूध दही का खाना छूट गया, अब तो सब शेरनी के दूध में चस रहते हैं। ठेके पे भी लिखा होता है ना कि शेरनी का दूध यहाँ मिलता है। जो भी इस दूध के 2 घूंट पी लेता वही शेर बन जाता है। दूसरी कली के अंदर क्या क्या लिखा है कवि ने, सुनिए क्या बताया। अरे बिना सवारी सवारी एक मील पैदल जाना बस फील हो गया। 20 किलो भी वजन आज सर पे ठाना बस फील हो गया। देखे टीवी फिल्म राम का
हुन गाना बस कई बोतल पी जाओ थारे घी खाना बस की कोन्या घी तो पचता ही नहीं है, हालत खराब कर देता है, खा लो थोड़ा बहुत तो। और एक दो बोतल से तो अगलों का मूड नहीं बनता, ये कहते हैं मौसम सा नहीं बना, दूसरी लेके आओ। प्रेमी सज्जनों इतनी गिर गई है कुछ पब्लिक कि पी करके अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर सकते। एक काम कर सकते हैं क्या, बाप नहवाना तो बस की कोन्या, बाप नहवाना तो बस की बहू का धो दे बेटी को, जानो तर ढंग देख लगी भारत मां के दिल में चोट। नौजवान भूल गए, जींस की पैंट चली आई। और जींस की पैंट की हालत की बात ऐसी है, लेके तो आएंगे चार छह मिल के चले जाएंगे, चल शॉपिंग वॉपिंग करके लाते हैं, ले आओ भैया जींस। हाँ। पहन के देखेंगे, बोलेंगे यार जींस तो बढ़िया, क्वालिटी भी अच्छी है, पर फिटिंग सी नहीं आ रही। अरे फिटिंग तो तब आए ना जब तुम्हारे पैरों में कुछ हो, पैर तो हुए बड़े सिगरेट बीड़ी जैसे, फिटिंग मांगते हैं जींस की। आज के नौजवानों से पहले बड़े बूढ़े बहुत बेहतर हैं। अगर किसी नौजवान का पहले बुढ़े ने कस के हाथ पकड़ लिया ना, तो छुटाते प्रमोद मुंह लाल पड़ जाएगा, लेकिन तुम छुटा नहीं सकते हो अपने हाथ को। तीसरी कली के अंदर न्यू बताया कैसे अरे थारे से बुढ़े अच्छे जो शेर की तरिया ललकारे, बेशक देखो अजमा के ये तुमसे पहले नारे, कैसे जींस लगे अच्छी जब तन पे मांस नहीं धारे, बन के दारू बाज नीच मा बापों की इज्जत तारे, बन के दारू बाज नीच मा बापों की इज्जत तारे। ये औरत बेचारी घर में रोती रहेंगी, आ रहे होंगे स्वामी प्राणनाथ आएंगे तब घर का सामान आएगा, बच्चों की फीस जाएगी, लेकिन वहां प्राणनाथ को मतलब नहीं है किसी से, वो पी के पढ़ाए कहीं हुआ पड़ा है। वीर बिचारी घर सर मारे, ये वीर बिचारी घर सर मारे, पहलवान रहा उल्टा लो, जानो तारा ढंग देख लगी भारत मां के दिल में चोट, जानो तारा ढंग देख लगी भारत मां के दिल में चोट। दुनिया में इज्जत मिलती मानस के उच्च कार्यों की, योग से ऊंची रति चढ़ी हनुमान से पर्ण धारियों की, गुरु चंद्र लाल मरद इसे जो सेवा करे नारियों की, कहे खटाना रामेश्वर ये भारत भूमि आर्यों की, कहे खटाना रामेश्वर ये भारत भूमि आर्यों की, अरे थी ये ब्रह्मचारियों की, थी ये ब्रह्मचारियों की जो बाधा करते मरद लंगो, ये राजा
छोटे